अस्सलाम वालेकुम एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है जी संडे का दिन और फिर भी जो है ना महा साहब इतनी जल्दी जाग गए। उसको जाहिर है वो स्कूल की रूटीन उसकी बनी हुई है, उसके मुताबिक ही वो जाग जाता है। वो तो छोटा है, अपने टाइम से सोता है। और इस वक्त देखें बजे हुए हैं सुबह के 7 बजे में, और ये जो है बैठ के अपने मज़े से कार्टून देख रहे। मुझे तो दिल कर रहा था कि सारे सो रहे हैं, बाकी मुझे तो दिल कर रहा था कि मैं भी जो है वो संडे वाले दिन या वीकेंड पे आराम से जागूं, लेकिन जो है वो ज़ाहिर है अभी ये छोटा है तो अपनी रूटीन के मुताबिक जाग जाता है, तो मुझे भी उसके साथ जागना पड़ता है। और तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो तबीयत बहुत ख़राब है, आवाज़ बिल्कुल जो है बंद हुई हुई है। और आज वेदर बहुत ही मज़े का खूबसूरत हुआ हुआ है। इस्लामाबाद में बारिश, बादल आए हुए हैं, मे भी थोड़ी बारिश टाइम में हो जाएगी। अभी तो मैं जगा नहीं रही किसी को, सारे सो रहे हैं तो उन्हें सोने थे, वीकेंड बनाने थे सबको। तो मैं बनाती हूँ अपना नाश्ता, चाय मैंने रखी हुई है और बाकी चीज़ें हम लेके आते हैं। महाज साहब नाश्ता कर रहे हैं, फ्लू से भरे हुए नाक है इनके। कैसा है महाज? महाज महाज इधर देखो, महाज चले जी नाश्ता करते हैं। चलो जी नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक गाइस, अभी है शाम का टाइम और हम बनाने लगे हैं समोसे। डॉन के समोसे फ्राई होने लगे हैं। इनकी सबसे बुरी बात ये है कि इनका ये जो मैदा होता है ऐसे इतना चिपका हुआ होता है, दूसरे के साथ इनको अलग करें तो वो समोसा ही अंदर से जो है वो खाली हो जाता है। लेट्स सी, ये देखें आधा आधा समोसा इनका खाली हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अभी मैं किसी और के ट्राई करूँगी।
तो जी गाइस, यहाँ पे जो है वो हम लोग शाम को बच्चों को जो है समोसे खाने का दिल कर रहा था, तो वो मैंने उनको बना के दिए, उन्होंने खाए। तो डॉन के समोसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जो कोई भी देख रहा है मैं उसे कहूँगी कि डॉन के समोसे बिल्कुल भी ना ख़रीदे, क्योंकि उसके ऊपर जो पट्टी लगी होती है जब उसको हम लोग उतारते हैं तो सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और जब उसको डिफ्रॉस्ट किया जाता है तो वो दो उसका ऊपर से जो मैदे वाली पट्टी होती है वो भी सारी उतर जाती है। तो फ़ायदा क्या, इससे तो बेहतर है कि बंदा कोई जो है ना लोकल किसी मार्केट से ख़रीद ले, मे भी वो इससे ज़्यादा बेहतर हूँ। मैं वैसे भी किसी और जगह से एक दो जगह से ट्राई करूँगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो लो जी, यहाँ पे हम आज फिर निकल गए पिंडी की तरफ एज़ यूजुअल। जैसे वो एक मुहावरा है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो हमारी दौड़ जो है वो इस्लामाबाद से पिंडी तक ही है। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग, मैं ना अपनी ये लाउंज की जो वॉल है इस पे वॉलपेपर लगवाना चाह रही थी, तो हम वो उसके बारे में सर्च कर रहे थे कि कहीं से कोई अच्छा हमें जो है वो मिल जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में मैंने काफ़ी जगह पता किया, मुझे नहीं मिल रहा था। तो मुझे किसी ने बताया कि मरी रोड से मिलेगा आपको, या फिर आपको सैदपुर रोड से मिलेगा। तो हम लोग ये अभी पिंडोड़ा से गुज़र के सैदपुर रोड की तरफ जा रहे हैं ताकि देख सकें। तो आजकल सर्दियां भी आई हुई हैं और हर जगह पे फ़िश भी आपको नज़र आती है, तो सर्दियों में आप लोग भी फ़िश ख़रीदें और फ़िश खाएं। तो लो जी, वो तो रहा उधर ही। तो जी, उसके बाद वॉलपेपर तो हमें कोई शॉप अभी तक नज़र नहीं आई थी, तो अभी हम वही ढूंढ रहे थे। तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारी समझ लेंगे, पूरी एक मार्केट है कारपेट्स की। तो हमें, मैंने कहा चले अपने लाउंज और उसके जो सीढ़ियाँ हैं उसके लिए मुझे उसका मैट जो है वो मैटिंग चेंज करवाना था। तो मैंने कहा ये चले यहाँ से पूछ लेते हैं, ज़रा कीमतों का अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं, तो उस हिसाब से फिर जो है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पे बस हम कारपेट्स ही देख रहे थे, कारपेट्स की कीमतें तो आसमानों को बातें कर रही थी, आसमान भी बातें कर रही थी। इतनी ज़्यादा महंगी, इतनी ज़्यादा महंगी कि बस ना ही पूछें। महंगाई तो है हर चीज़ में ही है, बंदा ये कहे कि कारपेट महंगा हो गया तो कुछ भी नहीं, हर चीज़ ही महंगी है। लेकिन ये है कि मैं तो कंपेयर कर रही थी, ये मुझे तकरीबन मैंने अपने घर का जो मैटिंग था ये कोई 2-3 साल पहले करवाया था। चलें जी, कोई कारपेट देखते हैं ज़रा, कोई पसंद आए तो। मैटिंग घर के लिए, बच्चों ने बहुत गंदा किया हुआ है, बहुत तो नहीं है लेकिन ये वाला भी मुझे अच्छा लग रहा है, ये वाला। ओके है। गाड़ी वाला से बात कर ले, ये निकल, ये गिर जाएगा। जो आपको पसंद है बोलो, वही कलर ले। ठीक है, चलो चलें। ठीक है ना, बोलेंगे।